वेलकम वेलकम टू माय चैनल, वेलकम सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल सैंडविच। ये बहुत ही इजी होते हैं और आपको पता है कि आफ्टरनून में तो ये होता है कि हम लोग जल्दी से कोई चीज़ रेडीमेड हो उसको खा लें, क्योंकि इतना बिजी टाइम होता है, शॉर्ट टाइम होता है, तो सैंडविच ही ज़्यादा खाए जाते हैं आफ्टरनून के अंदर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल सैंडविच। तो इसके अंदर लिए हमने लिया ये चिकन। चिकन के हमने देखे स्मॉल स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। ये हमने ब्रेस्ट का चिकन नहीं लिया, ये हमने थाई का चिकन लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंडर होता है और ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे केचप और बारबेक्यू सॉस और चिली फ्लेक्स, और ये एक और हमारे पास सॉस है, ये हमारे पास ये भी चिली सॉस है केचप के साथ। और इधर हमारे पास सॉल्ट है जो प्लेन सॉल्ट है, और इधर हमारे पास चाइनीज सॉल्ट है, और ये हमारे पास रेड फ्लेक्स है। तो अगर आपके पास ये ना अवेलेबल हो तो आप दूसरी भी चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और इधर हमारे पास मोज़रेला है, चीज़ है जो कि शेडर हुई हुई है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये बनाने बहुत ईजी है, लेकिन जो चिकन है ना ये हमें इसको स्टोव पे कुक करना पड़ेगा। तो पहले हम चिकन को प्रिपेयर करते हैं, तो फिर उसके बाद हम सैंडविच को ग्रिल में डाल के ग्रिल करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम जो है ये ब्रेड यूज़ करेंगे, वाइट ब्रेड, और आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट में भी करें। कुछ लोग बहुत कैलोरी कॉन्शियस होते हैं तो वो ज़्यादा ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करते हैं। तो हम इसको दोनों तरीके से बनाएंगे, ब्राउन में भी बनाएंगे और वाइट ब्रेड के साथ भी बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं ये हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। ये हमने सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जो प्लेन सॉल्ट है जो हमने आधा चम्मच लिया था। ये इसके अंदर हम चाइनीज सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, ये भी हमने हाफ टीस्पून लिया था। और हम तो इसको मेयर से नहीं, लेकिन एक टेबलस्पून होगा। ये हम बारबेक्यू सॉस है जो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और इधर हमारे पास केचप है जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ये भी हमने 1 टेबलस्पून ऐड किया। और ये हमारे पास सॉस है, चिली सॉस केचप के साथ बनी हुई है, ये भी हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। तो इसको हम तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। ये पैन लिया है और पैन में हमने जो चिकन को मैरिनेट किया था ये इसके अंदर हम डाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये सॉस वगैरह के बाद इसकी कितनी अच्छी मतलब शक्ल हो गई है, और इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। हमने जब इसको सॉस लगा के रखा था तो कितना अच्छा कलर आया। तो इसको हम 15-20 मिनट कुक करेंगे पैन के ऊपर कैप रख के। इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे, पानी आप चेक करते रहें, थोड़ी देर तक चिकन खुद ही बहुत सा पानी छोड़ देगा और उसी के अंदर जो चिकन है वो रेडी हो जाएगा। तो इसको हम कवर कर देते हैं। हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया था, ये चिकन ने अपना खुद पानी छोड़ दिया। आप ये देख रहे होंगे ये कितना चिकन ने पानी छोड़ दिया। तो इसी के अंदर ये तैयार हो जाएगा और हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे ताकि ब्रेड में ये अच्छी तरह से रखा जाए। ये देखें जो हमारा चिकन है ये बिल्कुल ड्राई हो गया, और अब हम इसकी ग्रिल सैंडविच बनाने लगे हैं। ये क्या कहते हैं, हमने इसको हाई पे कर लिया, ये गर्म हो गया, अब मैं सैंडविच बनाती हूँ। ये देखें ये हमने ब्रेड इसके ऊपर रखी है, और इसके ऊपर ही हमने ब्राउन ब्रेड यूज़ की है। कुछ हम ब्राउन ब्रेड के बनाएंगे, कुछ हम वाइट ब्रेड के बनाएंगे। ये हमारे पास मोज़रेला है जो आपको पहले भी मैंने दिखाई थी, जो शेडर हुई हुई है, इसको हम थोड़ा सा स्प्रिंग करेंगे सैंडविच पे। और इसके ऊपर ये जो हमने चिकन तैयार किया था आप देख रहे होंगे, इस चिकन को इसके ऊपर रख देंगे और इसको ऐसे करके हम स्प्रेड करेंगे। ये बहुत ही मज़े का ग्रिल सैंडविच बनता है और बहुत टेस्टी बनता है, ये देखें। और बस आपके पास चिकन तैयार हो, चिकन तैयार करके आप फ्रिज में भी रख लें और ब्रेड निकालें और सैंडविच मेकर रखें तो आप इजीली इसको रेडी कर सकते हैं, इतनी जल्दी रेडी हो जाता है ये। तो इसके ऊपर ये ब्रेड हम रख रहे हैं, अब हम इसे ऊपर से बंद करते हैं। तो बस ये 2-3 मिनट में रेडी हो जाएगा। होंगे हमारा जो सैंडविच है ये तैयार हो गया है, कितना ज़्यादा खूबसूरत बना है। तो आप इसके काट के बीच में से 2 पीस भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। देखिए हम इसको कट करें, ये ऐसे आप बीच में से इसको कट कर लें, और अभी ठहरेंगे ज़रा नीचे से, ज़रा कट नहीं हो क्योंकि
इसके लिए थोड़ी सी तेज़ नाइफ चाहिए होती है ब्रेड को काटने के लिए। तो ये देखें, ये हमारा जो है सैंडविच तैयार है। ये कितना मज़े का सैंडविच बना है। तो आप इसको ऐसे सर्व करें। ये देखें हमारे जो सैंडविच है ये तैयार हो गए हैं। कुछ हमने ब्राउन ब्रेड के बनाए हैं और कुछ हमने व्हाइट के बनाए हैं। ये भी ब्राउन का है हमारे पास, ये भी, ये हमने व्हाइट ब्रेड में तैयार किया, और ये भी व्हाइट में, और ये भी व्हाइट में तैयार किया। तो ये बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बने हैं। और इधर से भी ये देखें कितना अच्छा ग्रिल का आया है। तो अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो वैसे आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि ये ग्रिल सैंडविच है तो जाहिर है ग्रिल पे बनने का मज़ा कुछ और ही है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।